Good morning, students. As you know, we are studying about modal auxiliary reach. कल मेरे जो पॉइंट कल मेरा चल रहा था वो आपका क्लियर हो गया था. कौन सा पर्पज उससे पहले जो था. अब लेकिन इस समय मैंने टू काइंड बताए थे. फर्स्ट बताया था आपका प्योर मॉडल एग्री वर्ब और सेकंड बताया था डिफेक्टिव सेमी मॉडल एग्री वर्ब. तो प्योर मॉडल एग्री वर्ब आपका क्लियर हो गया है. अब नेक्स्ट आपका चल रहा है डिफेक्टिव एंड सेमी. डिफेक्टिव और सेमी में भी थोड़ी कुछ वर्ब्स आपके आए हैं. जैसे उसने मैंने बता दिया था नीड और डेयर. क्या था? नीड और डेयर. अब देखना है नीड और डेयर का यूजेज किस प्रकार से करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं डिफेक्टिव. ठीक है, डिफेक्टिव मतलब क्या है? नीड एंड डेयर. पहले देख लीजिए नीड का मतलब क्या होता है. नीड का टू रिक्वायर समथिंग, किसी काम को करने की कोई जरूरत का होना, तो नीड. और यहाँ पे डेयर का होता है टू बी करेजियस, मतलब साहस का होना. जब जैसे कोई भी हाउ डेयर यू टू डू शे, आपकी ये हिम्मत कैसे बढ़ गई ये कहने की. तो डेयर का मतलब होता है टू बी करेजियस, किसी काम के लिए साहस करना. टू रिक्वायर समथिंग, और किसी चीज की या कोई भी चीज होती है उसकी जो रिक्वायर होती है, आवश्यक होती है, उसमें आपका यूज होता है नीड का. मींस ये दोनों आपके मॉडल एग्री वर्ब है, डिफेक्टिव एंड सेमी. तो डिफेक्टिव में चल रहे हैं, डिफेक्ट मतलब दोनों है मॉडल डिफेक्टिव के ही और सेमी के. लेकिन देखना है कि डिफेक्टिव में कैसे यूज होते हैं और आपके सेमी में किस प्रकार से यूज होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी किसका, डिफेक्टिव का. डिफेक्टिव में पहले नीड की बात करते हैं. ठीक है, नीड में बता दिया था टू रिक्वायर समथिंग. नीड का क्या था? टू रिक्वायर समथिंग. तो यहाँ पे देखिएगा नीड जो है आपका, ये मैंने टू एरो बनाया यहाँ पे. ओके, यहाँ पे नीड का है अफर्मेटिव. आपका जब नीड सेंटेंस, अब ये देखना पहले नीड और डेयर को समझ लीजिएगा. यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब. जैसे आपको पता है हमारी जो वर्ब होती है एक सेंटेंस में, वर्ब जो होती है वो टू काइंड सी होती है. एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पे, ही इज गोइंग टू आगरा. ये थोड़ा सा हटके इससे ही इज गोइंग टू आगरा, यहाँ समझना है आपको. यहाँ देखना क्या हेल्पिंग वर्ब क्या इज. ठीक है, इज एम आर यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब. एंड गोइंग, गोइंग में गो, गो आपका क्या है, ये आपकी मेन वर्ब. तो यहाँ ये समझना है, यहाँ पे ये दिमाग में डाउट नहीं करना. यूज एज हेल्पिंग वर्ब मीन्स जब हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है क्या नीड एंड डेयर. तब क्या करते हैं, तब नीड का यूज जब हम करते हैं अफर्मेटिव में, अफर तो क्या लगाते हैं कि नीड का यूज अफर्मेटिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तब जब नीड का यूज करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल से पूरा टोटल समझाएंगे, डोंट वरी. बट थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जब डिफेक्टिव मॉडल एक्टिविटीज वर्ब में नीड एंड डेयर का यूज करते हैं तो नीड एंड डेयर यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब आता है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और यही जब डेयर में होता है, डेयर में आपका होता है नेगेटिव. डेयर का जब यूज होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, तो फिर आपका टू को रिमूव कर दिया जाता है. तो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंस में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पुट अप करते हैं और यहाँ से टू को रिमूव कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट आपका है सेमी. सेमी में करते हैं इसी का, मैंने बताया था अभी नीड एंड डेयर का. तो ऐसे सेमी में होता है, सेमी मॉडल एग्री वर्ब में आपका नीड एंड डेयर का यूजेस करते हैं. तो देखना क्या है कि सेमी एंड मॉडल एग्री वर्ब में नीड एंड डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब के रूप में करते हैं. जब एज अ मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे होता है तो नीड एंड डेयर जो है या अफर्मेटिव पोजिशन में हो, नेगेटिव में हो या इंटरोगेटिव में हो, तीनों कंडीशंस में हम लोग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही रखते हैं. लेकिन ये दिमाग में रखना है जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है नीड एंड डेयर, तो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में टू को रिमूव कर दिया जाता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं. और सभी कंडीशन में अफर्मेटिव के साथ या नेगेटिव और इंटरोगेटिव और टू के टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पुट अप करते हैं, रखते हैं. इसी के हम कुछ एग्जांपल अभी यहाँ पे बता रहे हैं आपको. एग्जांपल को आप लोग समझ लीजिएगा जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टोटल. दीज आर एग्जांपल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट वी डिस्कस. एग्जाम्पल जैसे मैंने दे रखा है स्टूडेंट्स, आई नीड टू बाई अ बुक. यहाँ समझना है I need to buy a book means यहाँ पे जो need आपका आ रहा है this is using as a helping verb. Helping verb मैंने बताया था helping verb and main verb. तो buy is a main verb here. Buy यहाँ पे main verb है.
एंड नीड नीड हेल्पिंग वर्ब है। तो देखना क्या यहाँ पे, देखना ये है कि जब नीड या डेयर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, डिफेक्टिव में ये बात कर रहे हैं, हम सेमी ऑर्डिनरी में अभी नहीं चल रहे हैं, अभी डिफेक्टिव बात कर रहे हैं। नीड का या डेयर का यूज जब एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो अफर्मेटिव में हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं। सो आई पुट हियर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय। ओके, इसी का मैंने बोला था कि जब नीड एंड डेयर को नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में रखते हैं, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंस में रखते हैं तो सिर्फ टू को रिमूव कर दिया जाता है। तो यहां से मैंने नीड को, नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्यों, क्योंकि मेन वर्ब क्या है आपकी बाई। तो यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब की यूज हुआ है प्लस नॉट लगा है मीन्स नेगेटिव है, और यहाँ पे नीड सबसे पहले लग गया है मीन्स इंटरोगेटिव है, तो इसमें आपके टू को रिमूव कर दिया गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रख दिया गया है। इतना समझना है, फिर समझ लीजिएगा। जब नीड एंड डेयर को हेल्पिंग वर्ब के वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, एंड नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में टू को रिमूव कर दिया जाता है और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रख देते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट सेमी मॉडल अग्रीज में भी आपका एग्जाम्पल देख रखा है। जैसे सेमी मॉडल अग्रीज में नीड एंड डेयर का जो यूज होता है उसमें आपका या अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, तो क्या होता है तीनों में ही टू को रखा जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कीप इन माइंड ऑलवेज किस नीड एंड डेयर और यूज ऑलवेज एज अ मेन वर्ब। ओके, एज अ मेन वर्ब, यहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आपका जो एज अ मेन वर्ब यूज होगा तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, अदरवाइज इंटरोगेटिव हो, बट जो आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अवश्य आनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख लीजिएगा, आई डू नॉट नीड टू बाय अ बुक, आई डू नॉट नीड, तो डू नॉट हियर हेल्पिंग वर्ब, तो नीड इज द मेन वर्ब। जब नीड मेन वर्ब हो गई तो फिर आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज मस्ट नीड। ओके, सो आई पुट हियर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखिएगा, हाउ डू यू डेयर टू स्पीक बिफोर मी, आपकी इतनी हिम्मत क्या आप मुझसे पहले बोली, ठीक है, बिफोर मी, मेरे से पहले बोली। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अब आपको देखना है कि जब हाउ सेंटेंस इंटरोगेटिव है लेकिन यहाँ पे डू डज इज एम आर वाज और जो भी है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया, लेकिन आपके डेयर जो है या नीड जो है वो कौन सा आ रहा है, मेन वर्ब के रूप में। जब यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में आ रहा है तो ये आपका यहाँ पे सेंटेंस इंटरोगेटिव होते हुए भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है। और अभी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो यहाँ पे मैं और थोड़े से एग्जांपल्स देख के समझा रही हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, चलेगा इसकी जस्ट बाद। कुछ एग्जांपल्स मैंने और दे रखे हैं जिससे आपका थोड़ा सा डाउट होगा या आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा वो भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ आपको देखना है, सबसे पहले दिमाग में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब यूज होती है किससे, जब नीड एंड डेयर, तो आपका अफर्मेटिव में टू लगता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में टू रिमूव कर दिया जाता है, नहीं लगता है। तो यहाँ देखना है बिल्ली, तो बिल्ली यहाँ पे नीड जो है वो कैसे आ रही है, दिस इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मैन वर्ब। ओके, क्यों, क्योंकि बिल आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जब मैंने अभी बताया था कि जब यहाँ पे मैन वर्ब के रूप में आएगा तो फिर अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, तो आपका क्या रहेगा, टू। तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे टू आपका रिमूव कर दिया, करेक्शन करके टू लगेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका ये मैन वर्ब के रूप में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रेखा डज नॉट डेयर टू चैलेंज मी, देखो जब यहाँ पे देखा वही चीज, फिर यहाँ पे ये डज आपका क्या है, डज नॉट, ये नॉट नेगेटिव सेंस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डज क्या है, ये आपका है डज, डज आपका है हेल्पिंग वर्ब। ओके, लेकिन मैन वर्ब क्या है, डेयर, जब ये मैन वर्ब डेयर हो गया तो फिर टू इज मस्ट सेंटेंस, आइदर सेंटेंस नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव, तो दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी राइट। और विकास विल नॉट नीड, नीड यहाँ पे आपका क्या है, मेन वर्ब, नीड क्या है, मेन वर्ब, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पे आप देखो कुछ मिसिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, नीड एंड डेयर के बाद टू यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, टू की रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर टू यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सी विकास विल नॉट नीड टू ब्रिंग द बुक्स। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट सी नीड्स, देखो यहाँ जैसे नीड्स का आपको समझना चाहिए, नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और मैंने अभी आपको बताया था क्या कि जब हेल्पिंग वर्ब नीड एंड डेयर जब हेल्पिंग के रूप में आती है तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंस में टू को नहीं रखा जाता है, ठीक, और अफर्मेटिव में टू को रखा जाता है, तो ये भी सही है, यहाँ पे टू नहीं। लेकिन एक चीज यहाँ देखनी है, यहाँ पे एस को नहीं आना है क्योंकि नीड्स एंड डेयर्स नहीं होगा, तो यदि एस इनकरेक्ट, सो एस को हम
रिमूव कर देते हटा देते या क्रॉस लगा देते, बट यहाँ हटा दिया ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा सी नीड नॉट गो देयर। ओके, तो दिस सेंटेंस इज राइट। राज डेयर्स नॉट टू, अब फिर देखना है डेयर्स आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे नॉट, नॉट लगाया मीन्स नेगेटिव सेंस में हो गया। हेल्पिंग वर्ब में जब नॉट लगाया नेगेटिव सेंस में तो टू यहाँ से रिमूव करना। ओके, साथ में ये डेयर्स नहीं है, अभी मैंने बताया नीड्स नहीं है, वैसे डेयर्स नहीं है, क्या ओनली डेयर, तो एस ऑल्सो रिमूव। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, करन डेयर नॉट टू डिस्टर्ब द टीचर। तो यहाँ पे देखना है डेयर क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डेयर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब में सेंटेंस नॉट आ गया। तो जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में नॉट आ रहा है तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे टू, अभी कहा था टू नहीं लगना है, तो टू यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ पे आपका टू रिमूव कर दिया गया। अब आपका हो जाएगा करन डेयर नॉट डिस्टर्ब द टीचर। ओके, अब ये टू को हटाने के बाद ये सेंटेंस भी आपका राइट। अब इसी से कुछ और इससे रिलेटेड आपके हैं वो हम इसमें और डिस्कस करते हैं, आज की क्लास में हम क्लियर कर देंगे, और जो भी आपका होगा पॉइंट आउट करेंगे बाद में। यूज टू एंड बट टू, ये भी आपकी मोनोलैंग्वेज वर्ब है, तो ये उसके आगे, अभी मैंने जैसे आपको जस्ट पढ़ाया था वो आपका था नीड एंड डेयर का यूजेज, अब इसमें हम बात करेंगे यूज टू और गुड की। तो यूज टू मीन्स यहाँ यूज टू अब यूज कहाँ करती है, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट, ऐसी हैबिट जो हमारी पास्ट में थी बट डिसकंटिन्यूड, अब कंटिन्यूड नहीं है, अब नहीं है। ठीक है, जो पास्ट में हैबिट थी, जैसे मैं पहले शराब पीता था, ठीक है, आई यूज टू ड्रिंक अ वाइन, ठीक है, मैं शराब पीने का आदी था लेकिन ना अब नहीं हूँ। ठीक है, ऐसी पास्ट हैबिट इन प्रेजेंट मे एंड मे नॉट, मतलब जो गुड का यूज है वो आपकी पास्ट हैबिट के लिए ही होता है, लेकिन ये हैबिट आपकी डिसकंटिन्यूड हम नहीं कह सकते, या तो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। जैसे आई वुड सिंग अ सॉन्ग बट नाउडेज नॉट, मीन्स अगर हम अभी पहले गाना गाया करते थे लेकिन अब नहीं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंस यहाँ पे आएगा, जो वो हैबिट जो आपको लग रहा है पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, तो वहाँ पे आपका यूज होगा यूज टू, एंड वो हैबिट्स जो आपकी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, दोनों डाउट कंडीशन में, वहाँ पे आपका मॉडल होगा गुड। मैंने एग्जाम्पल दिया है व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज यंग ही यूज टू वर्क फॉर अ आवर अ डे बट नाउ ही डज नॉट, मतलब जब वो यंग था तब ही वर्क फॉर फॉर 12 आवर, तब वह एक दिन में 12 घंटे मतलब पूरे दिन काम किया करता था, लेकिन अब नहीं, मीन्स ये जो आपकी हैबिट है इसकी डिसकंटिन्यूड हो गई, तो यहाँ पे आपका वर्ब आ जाएगा यूज टू। ओके, समझ आ रहा है, डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए आपका यूज टू का यूज किया जाता है, और वो हैबिट जो है पास्ट की बट कह नहीं सकते कंटिन्यू है डिसकंटिन्यू, वहाँ पे आपका वर्ब आएगा गुड, मतलब मॉडल एंथोनी वर्ब आपका गुड होगा। When she was in college, जब वह कॉलेज में थी, she would sing a song in every party. She would sing a song in every party, but nowadays nothing to say. अभी कुछ नहीं कह सकते है भी और नहीं भी, दोनों कंडीशन में हो सकती है। तो पास्ट टाइम सीधी सी बात है, जो सिंगर है वो गाना भले ही नहीं गा रहा है, लेकिन अगर कहीं कंडीशन आई तो ही कैन सिंग, यस सी कैन सिंग, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपका ये पास्ट की डिसकंटिन्यू हैबिट, सो आई यू डियर यूज टू एंड दिस इज पास्ट हैबिट बट मे और मे नॉट, सो आई यूज डियर बट। ठीक है, इसके बाद आपके और भी एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल है यूज का, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, आपका एक एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, ही यूज टू गो देयर, ही यूज टू गो देयर, मीन्स कोई व्यक्ति अगर है तो यहाँ पे यूज टू आ गया, यूज टू से आपको क्या लगेगा कि ये है यूज टू गो देयर, मतलब वो है वहां जाया करता था, मीन्स अभी क्या है जाया करता था पास्ट में जाया करता था, और यूज टू का जैसे यूज होगा तो आपको क्या लगेगा, जैसे यूज टू लग गया तो आपका क्या है कि ये जाया करता था लेकिन अभी नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट डिसकंटिन्यू हो गया आपका, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल दे दिया। और अगर आपका एग्जांपल देते हैं तो यहां से देगा, नेक्स्ट देखिएगा, आई यूज टू ड्रिंक वाइन, इसी से भी समझ में आएगा क्या, अब यहां चाहो तो लिख सकते हो बट नाउ
I did not take. Okay, I used to drink wine, but now I did not take. मतलब मैं इसका आदि था, I did not take, अब नहीं लेता, ठीक है? I do not कर दीजिएगा, ना I do not take, अब मैं नहीं लेता, इसका मतलब क्या है? ये आपका past tense है, इसलिए हो गया आपका used to, साथ में discontinued हो गया, so ये आपका यहाँ पे modal adverb used to का use हो गया. That's okay, आगे वाले examples देखते हैं. Okay, अब इन examples को देखते हैं, इसमें थोड़ा सा बस used to का ही है, but यहाँ पे not negative sense में देखते हैं, किस प्रकार से negative वाला कोई word आ जाता है, not जैसे अगर आपका आ जाता है, तो used to के साथ कैसे हम set up करते हैं, तो यहाँ पे आपका जैसे मैंने लिखा, he used to go not there, तो यहाँ पे आपको देखना है, कि used कैसे use हो रहा है, as a helping verb, और हम इसे negative word जो not रखते हैं, वो कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, after helping verb, sentence आपका कोई भी हो, जैसे is, am, are, तो जो भी आपका negative sense of sentence देखेंगे, तो is not, am not, are not, या have not, cannot, could not, तो negative sense जो आता है, वो हमेशा आता है helping verb के साथ, negative word, तो यहाँ पे आपका not, ये sentence आपका wrong है. Next आपका used to, वही चीज फिर आ गई, to जो आपका आ रहा है, इससे पहले not को आना चाहिए, so this sentence is also wrong. नेक्स्ट आपका he not used, यहाँ तो बिल्कुल wrong कर दिया, क्यों? क्योंकि helping verb को not के बाद ही रख दिया, तो आपका ये सेंटेंस भी गलत है. तो अब आपका सेंटेंस सही कौन सा होगा? देखो he used not, अब ये मुझे सही लग रहा है क्योंकि used को helping verb के रूप में use कर रहे हैं, तो used to के बीच में आपका negative word आ गया, कौन सा? Not, तो ये सेंटेंस आपका right है. ओके, ये सेंटेंस कैसा है आपका? सही है. नेक्स्ट है he did not used to go there, यहाँ पे आपको देखना है he did not लगा रहे हैं, did not किसके फॉर्म है? पास्ट की, did not पास्ट के फॉर्म है, यहाँ पे आपका used लगा दिया, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे did not ऑलरेडी पास्ट में था, तो used भी पास्ट में होता है, तो ये आपका जब दोनों पास्ट हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर यहाँ पे ये भेजा मैन वर्ब हो गया, तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आपका होना चाहिए था फर्स्ट फॉर्म में, तो ये डिड नॉट यूज टू गो देयर. नेक्स्ट सेंटेंस में लगा ही डिड नॉट, जब डिड नॉट लगा है, ठीक है, तो ये पास्ट को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे आपका यूज से किस में कन्वर्ट हो गया? यूज में. तो दिस सेंटेंस इज राइट. ये एग्जाम्पल्स हो गए, नेक्स्ट देखते हैं अभी हमें क्या करना है, इसके बाद फिर हम बताएंगे आपको, आपके कुछ नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, होमवर्क दे देंगे, उसे आप करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा. ओके, अभी जो मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, उसी को मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रही हूँ यहाँ पे. जैसे यूज टू जो था, यूज टू को मैंने फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर रख दिया, कैसे आप लिख सकते हो, तो यूज दिमाग रखना है, यूज अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है, मतलब यूज टू जो होता है आपका, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने रखा है, तो निगेटिव वर्ड हमें क्या रखना है? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, मीन्स यूज के बाद, आफ्टर दैट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर इसी को हम यूज टू, यूज को डिड नॉट दे दिया आपने, एक डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब दे दी पास्ट के रास्ते में, तो यहाँ पे डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहाँ पे, तो यूज क्या हो गया आपका? मेन वर्ब. तब यहाँ पे डिड नॉट सेंटेंसेस पे होता है, तो फिर यूज मेन वर्ब में यूज वाला कौन सी है? यहाँ की वर्ब की यूज आ गया आपका, यूज का जो डी था मतलब जो पास्ट में था, तो वो यहाँ कन्वर्ट होकर पहुंच गया, मीन्स आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे सपोज अगर मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया है, ही डिड नॉट यूज टू ड्रिंक वाइन, वह वाइन को अब यूज नहीं करता था, ठीक है, तो ये आपका डिड नॉट लगाया है यहाँ पे, तो मैंने यूज लगा के यूज के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गई है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया मॉडल एडजेक्टिव वर्ब में यूज टू का यूज. इसके बाद आपको क्या करना है, आपका मॉडल एडजेक्टिव वर्ब चैप्टर क्लियर हो गया है, ये टॉपिक क्लियर होने के बाद आपको मैंने सारे मॉडल एडजेक्टिव वर्ब, वो चाहे आपके प्योर मॉडल एडजेक्टिव वर्ब हो या आपके सेमी डिफेक्ट मॉडल एडजेक्टिव, सब क्लियर कर दिया है. अब आपको इनका लगातार प्रैक्टिस करना है, मैंने नोट्स मेकअप करना है, और कुछ मैं एक्सरसाइज बना के जो भी होम असाइनमेंट में तैयार करूंगी वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्लस उसी पे एक्सरसाइज लगातार लगाइएगा, जिससे कि आपका रिवीजन होते चले. जब ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग मिलेंगे, तब हम लोग फिर नोट्स आपका चेक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे आपने कितना सीखा. ओके, थैंक्स.